आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जो कि पूरी साल चलने वाला है और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हो इन बिजनेस में। तो इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें, माल कहां से खरीदे, माल खरीदते वक्त क्या क्या बातें ध्यान में रखें, मार्केटिंग कैसे करें, GST, लाइसेंस, इन सारी बातें आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परखा और आप देख रहे हैं प्योर बिजनेस। तो चलिए फटाफट बिजनेस सीख लेते हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप किराना स्टोर स्टार्ट करना चाहते हो या ऐसा कोई रिटेल बिजनेस करना चाहते हो तो आपको कम से कम प्राइस में फर्नीचर कैसे बनाना चाहिए या आपको माल कैसे खरीदना चाहिए, होलसेल में से माल कैसे खरीदे, इन पूरी जानकारी के लिए मैंने बहुत ही बेहतरीन किराना स्टोर वाला वीडियो बनाया है। डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, आई बटन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी और ये वीडियो पूरा होने के बाद एंड स्क्रीन में भी आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद किराना स्टोर वाला वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत ही काम करेगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ किशमिश पैकिंग यानी कि रेजिंग पैकिंग करने का बिजनेस। किशमिश को मुनक्का या बेदाना भी कहा जाता है, मगर मुनक्का और किशमिश में थोड़ा बारीक डिफरेंट है। किशमिश को छोटे अंगूर से बनाया जाता है, जबकि मुनक्के को थोड़े बड़े अंगूर से और जो पक्के अंगूर है उनसे मुनक्के बनाए जाते हैं। किशमिश में थोड़ी खटास भी हो सकती है, मगर मुनक्के में बिल्कुल खटास नहीं होती, ये बिल्कुल मीठे होते हैं और मुनक्के जो है उसमें दो तीन बड़े दाने भी होते हैं। किशमिश में दाने बहुत कम होते हैं या जो भी होते बिल्कुल छोटे होते हैं। किशमिश लैटिन भाषा के रेशमस शब्द से बना है, जबकि मुनक्का फ्रेंच भाषा के लोन वर्ड से बना है। बूढ़े से लेकर बच्चे तक खाने में किशमिश का बहुत ही यूज होता है, क्योंकि किशमिश बहुत ही स्वाद में मीठी होती है तो सब खाते हैं। आइसक्रीम में, मिठाई वगैरह में भी किशमिश का बहुत ही यूज होता है और दिन प्रतिदिन किशमिश का यूज बढ़ता जा रहा है। प्राइस में कोई काजू या बादाम जितनी महंगी नहीं है, बहुत ही सस्ती है और प्रॉफिट उसमें भी उतना ही मिलेगा जितना काजू बादाम में मिलता है। तो ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। इन बिजनेस को कैसे आपको स्टार्ट करना चाहिए पूरी डिटेल आज को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत ही प्रॉफिटेबल ये बिजनेस है, इन बिजनेस को आपको जरूर करना चाहिए। तीन टाइप की किशमिश आपको मार्केट में मिलेगी। एक तो है भूरी किशमिश, जो कि अंगूर को 3 हफ्ते तक सुखाने के बाद ये किशमिश बनाई जाती है। दूसरी है गोल्डन किशमिश, जिनको सुल्ताना किशमिश बोलते हैं और ये किशमिश सुल्ताना अंगूर से बनाई जाती है। और तीसरी है काली किशमिश, जो ब्लैक अंगूर से बनती है तो उनको ब्लैक किशमिश भी बोलते हैं। ज़्यादातर कैलिफोर्निया, अफगानिस्तान और गोल्डन इंडिया की किशमिश अच्छी मानी जाती है। इनको कलर के ग्रेडेशन से इनको हम पहचान सकते हैं। कैलिफोर्निया की जो किशमिश है वो हरे रंग की होती है और खाने में वो इतनी बहुत मीठी नहीं होती है। अफगानिस्तान की जो किशमिश है वो भी हरे रंग की होती है, मगर उनका एक हिस्सा है वो ब्राउन कलर का होता है और वो खाने में ज़्यादातर मीठी होती है। गोल्डन इंडिया की जो किशमिश है वो ज़्यादातर सुनहरे रंग की होती है और खाने में बहुत मीठी होती है, थोड़ी गोल भी होती है। तो इस टाइप की किशमिश आपको मार्केट में मिल जाएगी। जब भी आप किशमिश का बिजनेस स्टार्ट करो और जब आप किशमिश खरीदने के लिए मार्केट में जाओ तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है किशमिश खरीदने से पहले, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब भी आप किशमिश खरीदो और इनके पर आपको कोई चीनी जैसा कुछ दिखे तो उस किशमिश को आपको नहीं खरीदना है, क्योंकि कई बार किशमिश को मीठा बनाने के लिए इनके पर केमिकल या ऐसा कुछ और भी लगाया जाता है, तो इस टाइप की किशमिश आपको नहीं खरीदनी है। किशमिश में अगर आपको पानी दिखाई दे तो भी उस टाइप की किशमिश को आपको नहीं खरीदना है, क्योंकि ये देखने से आपको ये समझ लेना है कि भी ये किशमिश पूरी तरह से रेडी नहीं है, यानी कि वो तैयार नहीं है। तो ऐसी किशमिश खाना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कई बार जो खराब अंगूर होते हैं उनमें से भी लोग किशमिश बना लेते हैं और इनके ऊपर गोल्डन कलर लगवा देते हैं। तो इस टाइप की जो किशमिश है वो भी आपको नहीं खरीदने हैं, यानी कि इनमें से अगर आपको कोई सल्फर या गंधक जैसी कोई बास आए तो इस टाइप की किशमिश आपको परचेस नहीं करनी है। तो ये बातें थी किशमिश खरीदी करते वक्त आपको इन बातों का ध्यान रखना है और फिर आप आसानी से किशमिश खरीद सकते हो। अब हम बात करते हैं कि किशमिश का बिजनेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, किशमिश में आप मैन्युफैक्चर से भी स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि अंगूर लाओ और उनकी किशमिश बनाओ और फिर बेचो, ये भी कर सकते हो, या आप तैयार किशमिश भी खरीद सकते हो और उनको बेच सकते हो। तो मेरी सलाह आपको ये है कि आपको सबसे पहले रीसेल करना चाहिए यहाँ,
जो तैयार किशमिश है वो आपको खरीदना है और आपको बेचनी है। आपको सबसे पहले अपने लोकल मार्केट में जाना है और वहाँ आपको चेक करना है कि भी आपके यहाँ कौन सी किशमिश चलती हैं, कौन से साइज की चलती हैं, क्या प्राइस में चलती हैं, कौन से कलर में चलती हैं, वो सारी डिटेल आपको पहले जान लेनी है। और वह आपको ये भी पता लगवाना है कि भी हमारे यहाँ जो किशमिश चल रही हैं उनका होलसेल प्राइस क्या है, और उनके कुछ सैंपल भी आपको ले लेने हैं, फिर बाद में आपको बड़ी मंडी में जाना है खरीदी करने के लिए। तो इतनी जो बेसिक बातें हैं वो तो आपको अपने लोकल मार्केट से पहले जान ही लेना है। अगर कुछ भी नहीं जानोगे और सीधा खरीदी करने के लिए चले जाओगे तो आप सही सही खरीदी नहीं कर पाओगे और बहुत ज़्यादा रेट देकर आओगे, फिर आप बोलोगे कि मेरा बिजनेस में तो कोई हुआ नहीं, मैं तो बिजनेस में फेल हो गया। तो इस टाइप से आपको बिजनेस नहीं करना है, पहले मार्केट में जाना है, मार्केट में सर्च करना है, फिर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। किशमिश जो है वो आपको होलसेल मार्केट में ज़्यादातर 150 रुपये से लेकर 250 रुपये के बीच में आपको बड़े आसानी से मिल जाएगी। अब वो डिपेंड करता है उनकी क्वालिटी कैसी है और आप कितनी क्वांटिटी में ले रहे हो, वो सब इसमें बहुत बातें आती हैं। तो जैसी उसकी क्वालिटी वैसा उनका प्राइस रहेगा। अब अगर आपको खरीदना चाहते हो तो आपको कहाँ से खरीदना है, उनका मार्केट कहाँ से, हम उनकी बात करते हैं। देखिए किशमिश भारत में ज़्यादातर एक तो आपको मिलेगी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में आपको सांगली है, नासिक है, सोलनपुर है, वहाँ से आपको किशमिश बहुत ही बढ़िया और जितनी चाहिए उतनी आपको मिल जाएगी। और दूसरा कर्नाटक में जो बीजापुर है वहाँ भी आपको किशमिश मिल जाएगी। देखिए आप मुझे कई बार कमेंट करके पूछते हो कि मुझे होलसेल का नंबर दे दो। देखिए भाई, अगर आपको ये बिजनेस करना ही है तो आपको घर बैठे बैठे नहीं होने वाला है, आपको नासिक चले जाना है और वहाँ जाके जो बहुत ही बड़े बड़े मैन्युफैक्चर हैं, यानी कि कई लोग अपने फार्म में बड़े बड़े यूनिट लगा के बैठे हैं जो किशमिश का मैन्युफैक्चर करते हैं, आप वहाँ पहुँच जाइए, उनकी क्वालिटी देखिए और उनसे बात कीजिए। आपको जिनके पास से सबसे कम रेट मिले और सबसे अच्छी क्वालिटी मिले आप उनका माल परचेस कर सकते हो। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो आपको इस बिजनेस में 40 रुपये से लेकर 50 रुपये तक पर किलो प्रॉफिट मिल सकता है। क्योंकि देखिए जो भी किराना स्टोर वाले हैं, सारे किराना स्टोर वाले किशमिश बेचते हैं और आपको छोटे छोटे पाउच में पैक करना है, यानी कि बहुत छोटे नहीं मगर 500 ग्राम है, किलो है, उस टाइप की किशमिश आपको पैक करना है। आप स्टार्टिंग में 100 किलो 200 किलो मंगवा सकते हो और 500 ग्राम 1 किलो के पैक में पैक करके अपने ब्रांड में किराना स्टोर वाले को आप दे सकते हो। जब आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बहुत बड़े बड़े होलसेल के पास नहीं पहुंचना है कि जो 1 टन 2 टन माल लेते हैं उनके पास, आपको छोटे छोटे किराना स्टोर वाले के पास जाना है जो कि 5 किलो 10 किलो 20 किलो इस टाइप की किशमिश आपसे खरीदे छोटी क्वांटिटी में, तो आप उनके पास आपको जाना है और आपको वहां से स्टार्ट करना है। जब भी आपको बिजनेस स्टार्ट करो तो पहले बिजनेस स्टार्ट कर लो। जब आप बिल्कुल छोटे पेमेंट से स्टार्ट करने जा रहे हो तो आप पहले स्टार्ट ही कर लो। पहले ये मत सोचो कि मैं कौन सा लाइसेंस लूँ कौन सा लाइसेंस ना लूँ, वो तो लाइसेंस वाइसेंस से बाद की बात में, आप पहले स्टार्ट कर लो। स्टार्ट करने के बाद आपको लगे कि भाई हाँ, आप कुछ समय तक करो, फिर आपको लगे कि भाई हाँ ये बिल्कुल ठीक है मैं कर सकता हूँ, तो फिर आप GST नंबर ले लो, क्योंकि GST नंबर 40 लाख तक फ्री है। तो 40 लाख का टर्नओवर करोगे तब तक तो आपको GST नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, मगर कुछ काम करने के बाद आपको GST नंबर लेना है, फिर आपको वो FSCI का लाइसेंस भी ले लेना है, आपको MSME में रजिस्ट्रेशन करवा देना है, मगर वो सब बाद में करना है, पहले आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। अगर हम GST की बात करें तो इस बिजनेस में 5% GST है। मित्रों, ये प्योर बिजनेस यूट्यूब चैनल पर मैंने और बहुत वीडियो बनाई है, जैसे कि सेल आपको अगर नहीं करना आता है तो सेल कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूटर आपको कैसे बनाना है, पार्टनरशिप करते वक्त आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है, किराना स्टोर आपको कैसे खोलना है, कैटल फीड का बिजनेस कैसे करना है, इस टाइप की बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है। तो आप इस चैनल की वीडियो सेक्शन में जाइए, वहाँ आपको बहुत वीडियो मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाइए, अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है और वहाँ के और दूसरी जो वीडियो हैं उन वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।